हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी मॉम्स एंड किड्स। और आज हम जानेंगे कि बच्चे की प्री राइटिंग स्किल्स के टाइम पर हमें उसको कैसे सिखाना चाहिए और क्या इनिशिएशन लेना चाहिए। तो सबसे पहले हमें बच्चों को राइटिंग स्किल्स के लिए स्टैंडिंग, स्लीपिंग, कर्व लाइन, स्लांटिंग लाइन ये सिखाना चाहिए। और किस तरीके से सिखाया जाएगा एक डिस्प्ले फाइल बनाकर, तो वो मैं आपको बताऊँगी। मैंने इस तरीके की डिस्प्ले फाइल ली है और इस डिस्प्ले फाइल में मैंने A4 शीट्स को पहले ही ये चीज़ें ड्रॉ करके रखी हुई हैं और इसको इसके अंदर प्लेस किया हुआ है। अब जैसे मैंने यहाँ पर स्लीपिंग लाइन ली हैं और एक मार्कर लिया हुआ है जो कि टेम्प्ररी मार्कर है, और बच्चों को शुरुआती राइटिंग स्किल्स में टेम्प्ररी मार्कर ही या मार्कर या क्रेयॉन देना चाहिए, क्योंकि उनसे उनकी अच्छी ग्रिप बनती है। ठीक है, तो कभी भी पेंसिल और पेन को नहीं देना चाहिए। तो इस तरीके से बच्चे स्लीपिंग लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ये रब भी हो जाएंगे आराम से ये, और वापस इनको रीयूज़ भी किया जा सकता है, कोई पेपर का वेस्टेज नहीं है और प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाएगी। और इस तरीके से मैंने जैसे कलरफुल बनाया हुआ है तो अच्छा भी लगता है बच्चों को, और वो ऐसे स्टैंडिंग लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं आराम से, ट्रेस कर सकते हैं, और जितना वो ट्रेस करेंगे तो उनका फोकस भी बनेगा और अपना ग्रिप भी बनेगी मार्कर के थ्रू। और इस तरीके से स्लांटिंग लाइन भी दी हुई है, तो स्लांटिंग लाइन भी वो आराम से ड्रॉ कर सकते हैं और उनकी अपनी ग्रिप भी बनेगी और उनका ड्रेसिंग का फोकस भी अच्छे से बनेगा। अब जैसे कि ये बच्चे ने ड्रॉ किया हुआ है, तो ये इस तरीके से वो ड्रॉ करके अपना राइटिंग स्किल को इम्प्रूव कर सकता है। तो ये वाली जो ऐसी फ़ाइल बनती हैं, तो ये फाइल्स ड्रॉ कर सकते हैं और ये रख सकते हैं ड्रॉ करके, और इस तरीके से बच्चों को सर्कल भी दे सकते हैं अलग अलग, तो वो सर्कल को भी ट्रेस करते हैं, क्योंकि सर्कल बनाने में बच्चे बहुत इंटरेस्टेड होते हैं। ज़ीरो, सर्कल ये बनाने में उनका बहुत इंटरेस्ट होता है। तो इस तरीके से हम स्लीपिंग लाइन की, स्टैंडिंग लाइन की प्रैक्टिस बच्चों को करा सकते हैं घर में ही, और वो ये रीयूज़ भी कर सकते हैं, सबसे अच्छी बड़ी बात ये है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है मेरी, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।